السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر محترم حضرات اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہم پر سایہ فگن ہے یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے تو اس اعتبار سے ایک نئے سال کا آغاز ہوا جسے ہم اور آپ 1445 ہجری کے نام سے جانتے ہیں یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر اب تک 1445 سال گزر چکے یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کئی اعتبار سے فضیلتوں والا مہینہ ہے پہلی فضیلت یہی ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم مہینوں میں شمار فرمایا محترم مہینے چار ہیں تین مہینے ایک ساتھ ہیں ذی قعدہ ذی الحجہ محرم اور چوتھا مہینہ ہے ماہ رجب المرجب یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں لوگ بعض مرتبہ کہ ان محترم مہینوں میں ماہ رمضان کیوں داخل نہیں ہے جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان کا مقام ان مہینوں سے اور اونچا ہے وہ صرف محترم نہیں مبارک ہے محترم کا مہینہ یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں جنگ و جدال کو حرام کیا گیا اور ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں جنگ و جدال فسق و فجور گناہ صغیرہ کبیرہ سب حرام ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کسی مہینے کے ساتھ
लिहाजा इन चार महीनों को दौरे जाहिलियत में भी मोहतरम समझते थे और इसकी वजह से आपस में जंगो जिदाल बंद कर दिया करते थे। इस्लाम ने भी इस एहतराम को बाकी रखा। जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह तौबा की आयत है, अल्लाह फरमा रहे हैं इन इद्दत शुहूरी इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा, कि अल्लाह के नज़दीक भी सारे महीनों की तादाद 12 है। फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक अस्समावाति वल अर्ज, और अल्लाह ने ये 12 की तादाद मुतय्यन फरमाई उसी वक्त जब आसमानों ज़मीन को पैदा किया था, उसी वक्त अल्लाह ने लौहे महफूज में ये बात लिख दी कि 12 महीनों पर एक साल मुश्तमिल होगा। फिर उसी वक्त अल्लाह ने यह भी फ़ैसला किया मिनहा अरबातुन हुरुम, इसमें 4 महीने मुहतरम होंगे, और वो 4 महीने यही हैं जो अभी आपके सामने बताए गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि माह मुहर्रमुल हराम शहरुल्लाह, ये अल्लाह का महीना है। वैसे सारे महीने अल्लाह के हैं, सारी कायनात बनाई हुई अल्लाह की है, लेकिन इस महीने की अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे अपनी जानिब निस्बत फरमाई कि जैसे अल्लाह का जाहो जलाल है, अल्लाह का मकाम व मर्तबा है, उसकी इज्जत है, उसका एहतराम है, उसी तरीके से इस महीने में का इस महीने का भी एहतराम होना चाहिए। इसके जाहो जलाल को अपने ज़िंदगी में मलहूज रखना चाहिए। तीसरी फजीलत इस महीने की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे बाबरकत रोज़े इस महीने के रोज़े हैं, जिसे हम और आप यौम आशूरा के रोज़े के नाम से जानते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि माह रमज़ान के बाद सबसे बाबरकत रोज़े कौन से हैं जिनको रखने का की मैं पूरी कोशिश और पाबंदी करूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यही सवाल मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि माह रमज़ान के बाद सबसे बाबरकत रोज़े माह मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। लिहाजा इस महीने की जो 10वीं तारीख है, उस तारीख का रोज़ा बड़ी फजीलतों वाला, बड़ी बरकतों वाला, जिसके बारे में हदीस में आता है कि वो एक रोज़ा एक साल माकबल के गुनाह और एक साल आने वाले साल के गुनाह माफ़ करा देता है। गुनाह सगीरा, कबीरा गुनाहों के लिए तौबा ज़रूरी है, तो एक साल पिछले और एक साल आने वाले गुनाह माफ़ हो जाते हैं इस एक रोज़े की वजह से। हाँ, हदीस में यह ज़रूर इरशाद फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब भी आशूरा का रोज़ा रखो, उसके साथ मज़ीद एक रोज़ा मिला लिया करो, चाहे एक रोज़ा उससे पहले या एक रोज़ा उसके बाद, यानी दो रोज़े रखो मिला के, ताकि तुम्हारी मुशाबहत यहूदियों से न होने पाए। क्योंकि मदीने तैयबा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आशूरा का रोज़ा बड़े एहतमाम से यहूदी भी रखा करते थे, और वो दावा करते थे कि इसी रोज़ हम यानी कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने फिरौन से नजात दिलाई थी, तो लिहाजा इस दिन को हम अपने लिए बड़ी बरकतों वाला समझते हैं और उसके एहतराम में शुक्राने के तौर पर हम रोज़ा रखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था कि अब आइंदा साल से तुम लोग दो रोज़े रखना, ताकि तुम्हारी यहूदियों से मुशाबहत न होने पाए, मुखालफत हो। लिहाजा इस हदीस पाक को अपने सामने रखते हुए हमें चाहिए कि आशूरा का रोज़ा रखें और एक के साथ एक रोज़ा मिला के दो रोज़े रखें, चाहे तो 9 और 10 तारीख को या 10 और 11 तारीख को। अल्लाह हम सब को इस रोज़े को रखने और इसकी फजीलतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का ये पहला महीना, और जब भी ये महीना आता है तो हमें एक सहाबा किराम की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी कुर्बानी याद दिलाता है, और वो कुर्बानी है हिजरत की कुर्बानी। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में
یہ بات طے پائی کہ ہمارے پاس مہینے ہیں، ہمارے پاس تاریخ ہے، لیکن ہمارے پاس سال کا کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ ہم مہینہ لکھتے ہیں اور تاریخ لکھتے ہیں لیکن سال نہیں لکھتے۔ تو لہذا بیت المال میں اور دار الخلافہ کے اندر کبھی کبھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایسی فائلیں آئیں کہ جس میں تاریخ لکھی ہے، مہینہ لکھا ہے، لیکن سال لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آئی کہ آخر یہ کس سال کی فائل ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے اہم ترین مشورہ کیا کہ ہمیں اپنا اسلامی سال بھی بنانا چاہیے، جیسے ہمارے پاس اسلامی مہینے ہیں، اسلامی تاریخ ہے جو چاند کی تاریخ کہلاتی ہے، اسی طرح ہمارا اسلامی سال بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد کئی مشورے سامنے آئے کہ ہمارا اسلامی سال کہاں سے شروع ہو۔ کسی نے مشورہ دیا بدر سے، کسی نے مشورہ دیا فتح مکہ سے، لیکن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارا سال کا آغاز ہو ہجرت سے، کیونکہ ہجرت ایک بہت بڑی قربانی ہے صحابہ کرام کی جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ صحابہ ہل گئے تھے ہجرت کرتے ہوئے، اپنا وطن چھوڑا، اپنا دیار چھوڑا۔ عرب یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی زمین بھی چھوڑنی پڑے گی، لیکن وہ تک قربانی دی صحابہ کرام نے، اسی لیے وہ ہجرت کو کبھی بھولتے نہیں تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے قبول کیا، اور اس کے بعد اسلامی سال کو ہجرت کی طرف منسوب کر کے اسے ہجری سال کہا گیا۔ تو جب بھی یہ مہینہ آتا ہے ہمیں ایک بہت بڑی یاد دلاتا ہے ہجرت کی، کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے تمام صحابہ کرام کی وہ قربانیاں۔ ایسے ایسے صحابہ کرام جنہوں نے اپنے باپ دادا کی ساری جائیدادیں چھوڑ دیں، قربان کر دیں، تنے تنہا نکلے ہیں مدینہ طیبہ کے سفر پہ۔ ایسے صحابہ کرام جن کے پاس کیا نہیں تھا لیکن مدینہ طیبہ اس حال میں پہنچے ہیں کہ جو لباس ان کے جسم پر تھا صرف وہی، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں تھے۔ ایسی بھی ہجرت کی ہے صحابہ کرام نے کہ شوہر مدینہ طیبہ چلا گیا اور ان کی اہلیہ، وہ بھی ایمان والی تھیں، ان کے قبیلے والوں نے اہلیہ کو ہجرت نہیں کرنی دی اور انہیں واپس اپنے قبیلہ لے گئے۔ ان کا معصوم سا بچہ تھا چند مہینوں کا، اسے شوہر کے گھر والے لے کر اپنے علاقے میں چلے گئے۔ تین لوگوں کا مختصر سا خاندان، شوہر، بیوی اور معصوم بچہ، تین جگہ منتشر ہو گیا۔ کیسی زندگی گزاری ہوگی ان لوگوں نے؟ دو سال تک کوئی معمولی بات نہیں ہے، نہ شوہر کو بیوی کی خبر، نہ بیوی کو شوہر کی خبر، اور نہ ان دونوں کو اپنے معصوم بچے کی خبر۔ اور یہ سب کچھ ہوا ہے دین اسلام کے لیے، اتنی عظیم قربانیاں صحابہ نے دی۔ اور بالآخر جب ہجرت کی نوبت آئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا سما تھا، کیا موقع تھا کہ تیز دھار ہتھیار لے کر آپ کے گھر کے باہر نوجوان بیٹھے تھے کہ آپ عین تہجد کے وقت میں جب تشریف لائیں گے باہر تو آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا جائے۔ پھر بھی الحمدللہ معجزاتی طور پہ آپ نکلے ہیں وہاں سے محفوظ، وہاں سے غار سور میں گئے ہیں، اور ایک اعلان پورے مکے اور مکے کے اطراف کے جو بھی دو شخصیتوں کو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ کے لائے گا، 100 سرخ اونٹوں کا انعام، جو اس زمانے کا سب سے قیمتی انعام تھا۔ سارے لوگ اپنے کام اور مصروفیتیں چھوڑ کر اسی کام میں لگ گئے۔ اور کیا موقع تھا وہ جب یہ دونوں شخصیتیں غار سور میں تھیں، ابو جہل اپنے پورے لشکر کے ساتھ اتنی قریب آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کو دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے اور ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ اس موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر کتنی مشقتوں کے ساتھ وہ سفر ہجرت ہوا مدینہ طیبہ۔ یہ سب کچھ صرف دین اسلام کے لیے، یہ پوری جماعت تھی جو صحابہ، صحابیات اور اہل بیت کی، کسی کے پیش نظر بھی اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا۔ ایسی قربانی اور ایسی ہجرت انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو ہجرت کی طرف منسوب کیا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان یاد رکھیں کہ ہم نے ان تک اس کلمے کو پہنچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ لہذا اس قربانی ہمیں کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے ہر حال میں۔ یہ اس مہینے کے پیغامات میں سے ایک بہت بڑا پیغام، اس مہینے کے پیغام میں سے ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک ایسے مسلم حکمراں کی شہادت کہ جو حکمراں تو تھا مسلمانوں کا لیکن آج تک غیر مسلم اس سے حکمرانی سیکھ رہے ہیں،
आज तक यूरोप के कितने ममालिक में उसका बनाया हुआ कानून नाफिज है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला सज्जिदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन जिस रास्ते से गुजरते इबलीस अपना रास्ता बदल दिया करता था, जिसके बारे में ज़बाने नबवी ने गवाही दी, लौका नबादी नबीयुन लकाना उमर, अगर नबूवत का दरवाज़ा बंद ना होता तो मेरे बाद नबूवत के हकदार सज्जिदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन थे। इतने अजीम उशान हुक्मरान की शहादत एक बहुत बड़ा पैगाम है हमारे लिए कि वो कैसे थे, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, इस्लाम के नाम पे वो कितने गैरतमंद थे कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे लेकिन इस्लाम पर और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर कोई आँच कोई सवाल उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। बहुत बड़ी फजीलत इस महीने की है कि इतनी बड़ी बड़े वाक़यात की तरफ यह महीना मंसूब है और उन्हीं वाक़यात में से एक न भुलाया जाने वाला वाक़या जो यौम आशूरा के दिन करबला के मैदान में पेश आया कि अहले बैत अतहार ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की, जिनके सरदार थे वहाँ सजिदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन, कि उन्होंने अपने पूरे अफराद ख़ानदान के साथ अपने नाना जान के दीन के लिए कुर्बान कर दिया, अपने लहू को और अपने खून को बहा दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी इंसानी नज़ीर में नहीं मिल सकती। एक पैगाम दिया अहले बैत ने करबला के मैदान में कि दीन नाना जान का था, कुर्बानियाँ नाना जान ने दी, जो कुछ हो सकता था सारी तकलीफें और मुसीबतें बर्दाश्त की, और दुनिया का ये दस्तूर है कि बाप दादा मुसीबतें उठाते हैं, आने वाली नस्लें उसका फल खाती हैं, लेकिन अहले बैत अतहार ने कहा हम उनमें से नहीं हैं कि कुर्बानी हमारे बड़ों ने दी और हम बैठ के फल खाएं, नहीं हम भी कुर्बानी देंगे और जहाँ तक वो गए उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये पैगाम दिया, ये मिजाज था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब भी कुर्बानियों की नौबत आती आप अहले बैत को आगे रखते। करबला बहुत बाद में पेश आया, बदर की तारीख उठाइए, बदर के मैदान में जब जंग शुरू होने वाली थी कुफ्फारे मक्का ने और अबू जहल ने आवाज़ लगाई उधर से कि हमारे मुकाबले के लिए हमारे बराबर के लोगों को भेजना, हम पल्ला लोगों को भेजना, अबू जहल ने आवाज़ लगाई थी उधर से, बहादुरों को भेजना हमारे सामने, क्योंकि वो एक जुनून में था, बड़े मुतकब्बिर तकब्बुर में था कि आज तो हमें जीतना ही है, इसीलिए मुतकब्बिराना अंदाज में उसने कहा था हम पल्ला लोगों को भेजना हमारे बराबर के लोगों को मैदान में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अपने अकरबा को भेजा था, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, और भी जो आपके अहले बैत के अफराद थे उनको उतारा था मैदान में, और इन लोगों ने मैदान में जाके बता दिया कि हम कौन हैं और किसकी नस्ल से हैं। पूरे जंग का पासा पलट के रख दिया इन तमाम नेक लोगों ने और खैर लोगों ने। और जब माले गनीमत तकसीम करने की बारी आई, सबसे पहले आपने दूसरों को दिया, अहले बैत अतहार को बाद में दिया, आखिर में दिया, कम दिया, ये एक मरतबा नहीं कई मरतबा हुआ है कि पहले आप दूसरों को बांटते थे, जब नेमतें बांटने की नौबत आती, फ़ायदा उठाने की नौबत आती, आप दूसरों से पहल करते थे, जब कुर्बानी की नौबत आती आप अपने अफराद ख़ानदान से उसकी इब्तिदा करते थे। ग़ुलाम आए थे आपकी खिदमत में, ग़ुलाम तकसीम हो रहे थे, तमाम जो है ज़रूरतमंदों को आप ग़ुलाम दे रहे थे। इतने में एक दरख्वास्त आई आपकी लख्त जिगर खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कि एक ग़ुलाम मुझे भी। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते थे कितनी मेहनत करती हैं उनकी लख्त जिगर और कितनी ज़रूरत है उन्हें एक ग़ुलाम की, लेकिन आपने ग़ुलाम नहीं दिया और आप घर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मेरी बेटी जब थक जाया करो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। ये हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हैं अहले बैत अतहार, कुर्बानियों के लिए आगे रहते थे लेकिन नफ़ा की और जब नेमतों से फ़ायदा उठाने की नौबत आती वो पीछे रहते थे। दुनिया आज तक ऐसा रहबर और रहनुमा नहीं बता सकती, आज भी है दुनिया में कायदीन रहबर और रहनुमा, जब फ़ायदा उठाने की नौबत आती अपने अफराद ख़ानदान को आगे लाते हैं, जब कुर्बानियों की नौबत आती आवाम को बीच में लाते हैं। ये मिजाज कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, अहले बैत अतहार ने जो करबला के मैदान में पैगाम दिया। करबला के मैदान का दूसरा बहुत बड़ा पैगाम कि दुश्मन जो भी था सामने, जिसका नाम लेना भी हम मुनासिब नहीं समझते, मलऊन लईन जहन्नमी,
वो जो भी लश्कर था सामने खड़ा हुआ, वो जो भी थे साजिशी थे, जो भी थे, उनके जहन्नमी होने में कोई शक को शुबा नहीं है। और उन्होंने जो 10 तारीख को करबला के मैदान में जो जुल्म किया है, यकीनन ये कायनात का एक बहुत बड़ा जुल्म है। इंतहाई मजलूमाना तरीके से, मासूमाना तरीके से अहले बैत अतहार को शहीद किया गया जिनका कोई कसूर नहीं था। दुश्मन तो आया था इस नीयत से कि ये मुट्ठी भर अफराद अहले बैत के, 70-72 अफराद पर मुश्तमिल पूरा अहले बैत का घराना था, उनमें से अक्सर को सिवाय 2-4 को छोड़ के अक्सर को शहीद कर दिया गया। और वो ये ज़ोम में था दुश्मन के, अब ये नस्ल ही ख़त्म हो गई नऊज़ु बिल्ला। लेकिन सूरह कौसर में जो अल्लाह ने फरमाया, इन शानी अकहुवल अबतर, अय मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दुश्मन ही दुम बुरीदा होगा, आपका दुश्मन ही नस्ल कटा हुआ होगा, उसकी नस्ल नहीं चलेगी, आपकी नस्ल पूरी दुनिया में फैलेगी। ये एक मोजिज़ा है कि मनसूबा बंद तरीके से मुट्ठी भर अफराद खानदान जिसके थे उनको बुलाकर करबला में शहीद किया गया, अक्सर को शहीद किया गया। लेकिन आज दुनिया का कौन सा इलाका है जहां सैयद घराने का कोई फर्द मौजूद नहीं है? सादात पूरी दुनिया में फैले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस खानदान को सबसे ज्यादा खत्म करने की साजिश की गई, अल्लाह ने उस खानदान को सबसे ज्यादा दुनिया में फैलाया। ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। व रफ़ाना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने यूं ही नहीं कहा, हम आपके जिक्र को सरबुलंद रखेंगे पूरी दुनिया के अंदर। आपके जिक्र को बुलंद रखने का एक तरीका यह भी कि आपकी नस्ल को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के कोने कोने में फैलाया। ये एक पैगाम करबला के मैदान से कि इस दीन इस्लाम को, इस दीन इस्लाम के मोहसिनीन को जितना दबाने की, ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, ये उतना ही फैलेगा, उतना ही उभरेगा और उतना ही बाबरकत बनेगा इंशाअल्लाह। तीसरा बहुत बड़ा पैगाम अहले बैत अतहार का करबला के मैदान में हम सब के नाम ये है कि असल नाम है अपने आप को प्यारे हबीब के दीन पर फना कर देने का, ख़त्म कर देने का। कमाल इताअत यही है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो कि ये काम करो तो हम करें, आप फरमाएं कि ये ना करो तो वो ना करें, आप फरमाएं कि इस जगह अपने अमवाल को खर्च करो तो हम बिला शक्को शुबा खर्च करें, आप फरमाएं कि इन हराम जगहों पर पैसे ना खर्च करो तो हम फौरन रुक जाएं, यही पैगामात हैं। जब इन पे हम पूरा उतरेंगे तो फिर ये बात की उम्मीद की जा सकती है कि कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया कि प्यारे हबीब ये फरमा रहे हों कि यहाँ अपनी जान तुम्हें मेरे हवाले करना है, मेरे दीन के हवाले, तो इंशाअल्लाह ऐसा मोमिन बिला चूचरा अपनी जान को हवाले करेगा और शहीद होगा। शहादत का मर्तबा यूं ही नहीं मिलता, इब्तिदा यहाँ से होती है कि हर छोटे बड़े हुक्म पर अमल करना है और हर मनहियात से अपने आप को रोकना है और मुकम्मल तौर पे अपने आप को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ताबे कर देना है। तब जाके अल्लाह तबारक व तआला वो मकाम अता करते हैं और उनकी जानें अपने दीन के लिए अपने दरबार में कबूल फरमाते हैं। लिहाजा वो मर्तबा, वो मौका तो शायद कभी ज़िंदगी में आए, लेकिन ये मौका तो हर रोज़ और हर सुबह शाम आता है कि नबी का फरमान होता है कि ये करो, ये फराइज़ हैं ये अदा करो, ये वाजिबात हैं ये अदा करो, ये हराम ये मकरूहात हैं इनसे रुको और बचो। तो अगर हम वाकईतन करबला के शहीदों से मोहब्बत करने वाले हैं तो अपना मिजाज उन जैसा बनाएं कि अपने आप को प्यारे हबीब और अल्लाह के हुक्म के ताबे कर दें। करबला के पैगामात में से एक बहुत बड़ा पैगाम और करबला के पैगामात में से ये पैगाम भी है, न सिर्फ करबला का पैगाम बल्कि अहले बैत के शान में जितनी हदीसें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई उन तमाम का पैगाम ये है कि जितनी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनको कुर्बत थी उतना उनसे मोहब्बत, ये ईमान की दलील है। कुर्बत खुलफाए राशिदीन को थी, कुर्बत अजवाजे मुताहरात को थी, कुर्बत तमाम आशरा मुबशरा को थी, उन इन तमाम से मोहब्बत करना है और इन्हीं में से अहले बैत के जो अफराद हैं इनसे बे इंतहा कुर्बत थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ख़ास तौर से ये दोनों नवासे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बड़े मासूम थे, अभी बहुत छोटे थे, बे इंतहा आप मोहब्बत फरमाते थे इनसे। इन दोनों नवासों के बारे में आपने फरमाया, हुमा रैहानता या फिर दुनिया, दुनिया में ये मेरी खुशबू हैं, ये दो मेरे नवासे। जैसे आदमी कोई अपनी पसंद की खुशबू सूंघता है उसको खुशी होती है, दिल में एक तरह का इत्मीनान और फरहत महसूस होता है, इसी तरीके से जब इन दोनों को देखते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इंतहा खुशी महसूस करते। चुनांचे हदीसों में है कि कभी सय्यदा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के घर से दोनों नवासों या किसी एक के रोने की आवाज़ आती, आप इतने बेचैन हो जाते, आप उठ के तशरीफ़ ले जाते,
और आवाज लगाते, बेटी फातिमा बच्चे क्यों रो रहे हैं? आप जो रोता हुआ नवासा होता उसे गोद में उठा के ले आते, इतना ज्यादा आप उनसे मोहब्बत फरमाया करते थे। हद तो यह है कि मिंबर पे आप जो है खुतबा दे रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसा कभी नहीं हुआ किसी और मौके पर कि दौराने खुतबा आप खुतबा छोड़ के मिंबर से नीचे उतरे हों, लेकिन एक मरतबा सारे सहाबा ने देखा कि आपके बड़े नवासे सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन छोटे थे मासूम से दौड़ के आ रहे थे नाना जान को मिंबर पे देखकर, बच्चे दौड़ते हैं गिर जाते हैं, अचानक गिर गए दौड़ते दौड़ते, रहा न गया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और जाकर उनको उठाया, उनको बोसा दिया, प्यार किया और सारा खुतबा उनको गोद में लेके आपने दिया। ये मोहब्बत सैयदा हजरत हसनैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से, उनकी वालदा हजरत फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, उनके वालिद हजरत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन से, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें बताती हैं कि अहले बैत अतहार का हम पर हक ये है कि उनसे मोहब्बत हो, और दूसरा हक ये है कि उनकी कमाल इताअत हो। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हर हाल में मैं तुम्हारे दरमियान अपने अहले बैत को छोड़े जा रहा हूँ, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, लिहाजा इनकी इताअत करोगे तो कभी गुमराह ना होगे। इसीलिए दूसरा अहले बैत का हक ये है, पहला हक ये है उनसे मोहब्बत, दूसरा हक ये है कि हर हाल में उनकी इताअत हो, उनकी फरमाबरदारी हो, सिर्फ ज़बानी दावे न होने पाएँ। तो इस माह मुहर्रमुल हराम में करने के काम ये हैं, अल्लाह के इन नेक बंदों को खराज अकीदत पेश करें, खराज तहसीन पेश करें, इनकी कमाल इताअत का अज़्म मुसम्मम करें और आशूरा का दिन रोज़े की हालत में गुजारें। ये माह मुहर्रमुल हराम में करने के काम हैं। इसके अलावा जो बना लिए गए हैं, काले कपड़े पहनना पूरे महीने में, सीना कोबी करना, नौहा खानी करना, मातम करना, इन सब का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक फ़िरका है अहले तशी अहले रवाफिज़, इस फिरके ने इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचाया हमको अभी शायद न मालूम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हदीस की दुनिया में मेहनतें की हैं, उनसे जाके पूछे कि उन्होंने कितनी मेहनतें की हैं दीन इस्लाम को शीयत से अलग करने के लिए, ऐसा इन्होंने मजहब इस्लाम को खलत मलत कर दिया था हदीसें गड़ गड़ के। तो इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इतना नाराज हैं, वो लिखते हैं बाकायदा कि कोई शिया बीमार हो तो इयादत ना करो, कोई शिया मर जाए तो उसके जनाजे में ना जाओ। इन लोगों ने इतना नुकसान पहुंचाया है दीन इस्लाम को, लिहाजा ये हरकतें इनकी हैं, काले कपड़े पहनना, बगैर चप्पल सड़कों पे फिरना, ये सारी हरकतें ये करते हैं क्योंकि साल के 11 महीनों में अपना वजूद बताने का इनके पास कोई अमल नहीं है। हर मजहब हर महीने में जाना पहचाना जाता है कि ये फला मजहब है, ये फला मजहब है, लेकिन साल के 11 महीने शिया को कोई नहीं जानता। इस महीने में उनका चीखना चिल्लाना काले कपड़े पहनना सिर्फ इसलिए है कि दुनिया वालों हमको भी मानो, हम भी हैं एक मजहब वाले, हमको भी समझो। ये चीखना चिल्लाना सिर्फ इसलिए है, वरना इनके मजहब को बाकी रखने का इनके पास कोई दूसरा अमल नहीं है सिवाय तनकीदें, सिवाय नफरत, सिवाय दुश्मनी सहाबा कराम के, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ये हरकतें करते हैं। अगर इस महीने में हम भी ये हरकतें करें तो नऊज़ बिल्लाह हम में और उनमें क्या फ़र्क है। नौहा करना, सीना को भी करना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नियाहतु फिल जाहिलिया, ये चीखना चिल्लाना किसी के इंतकाल पर, ये सब दौरे जाहिलियत में से है। अहले बैत में कैसे कैसे अफराद शहीद नहीं हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला सैयदुश्शुहदा, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला जो जंग मूता में शहीद हुए हैं, जिनके इंतकाल और शहादत का इतना असर था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपका चेहरा मुतगैर हुआ, आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन चीखना चिल्लाना आवाजें बुलंद करना ना आपने किया ना किसी को करने की इजाजत दी। ये सब कुछ दौरे जाहिलियत में से है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और एक मुसद्दका खबर है बिल्कुल, तब जाके यहां पर खड़े होने की ये जुरअत की जा रही है कि बाकायदा जो ये फिरका है रवाफिस का और शिया का, इनके जो बड़े लोग हैं वीआईपी लोग, ये मातम नहीं करते, ये अपने आप को सीना को भी नहीं करते, ऐसी कमरों में बैठे रहते हैं, ये नौजवानों को लाते हैं बीच सड़क पर, और इन नौजवानों में एक अच्छी खासी तादाद सुन्नी नौजवानों की भी है जो बेरोजगार हैं, सलम इलाकों में रहते हैं या शहर के अतराफ में हैं, अजला में गांवों में, उनको बुला के लाया जाता है पैसों का लालच देकर, इतने पैसे मिलेंगे और अपने तुमको क्या करना है, अहले बैत की मोहब्बत बताना है। मोहब्बत कैसे बताना है, हमारे साथ मातम करना है, सीना को भी करना है, चीखना है चिल्लाना है। एक बड़ी तादाद नावाकिफियत और जिहालत की बुनियाद पर सुन्नी नौजवानों की वहां जा रही है, काले कपड़े पहन के और उनमें शिरकत कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी यह बनती है जिम्मेदार अफराद की कि वह अपने घर के नौजवान
جوانوں پہ نظر رکھیں، اپنے بیٹوں اور پوتروں پہ نظر رکھیں کہ وہ ان ایام میں کہیں ایسی حرکت تو نہیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جو بے روزگار ہیں، جو ابھی کسی کام کاج میں مصروف نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سب غیر اسلامی ہے، یہ سب اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، لہذا یہ سارے کام اس مہینے میں کرنے کے نہیں ہیں، نہ یہ سیاہ کپڑے پہننا، نہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر چپل کے یہ سڑکوں پہ گھومنا، چیخنا چلانا، سینہ کوبی کرنا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے، اگر شہید کو غم منانے کی اس طرح اجازت ہوتی تو پھر اسلام کا کوئی مہینہ شہادتوں سے خالی نہیں، الحمدللہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہے، لیکن یہ طریقہ ہی نہیں بتایا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے نہ اس میں شرکت کرنی ہے اور نہ ان کا یہ سارا جو ہے یہ ناٹک اور یہ ماجرا نہ دیکھنا ہے اور نہ وہاں جانا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا اور پرہیز کرنا ہے، روزے کی حالت میں اہل بیت افراد کی فضیلتیں سنتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عاشورہ کا دن گزارنا ہے، یہی اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے کی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے جو خرافات ہیں غیروں کے پیدا کیے ہوئے اس سے محفوظ فرمائے، اور سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔